जी बाबा, क्या नाम है? हीरा लाल नाम है। कैलाश पुजारी आपके गांव में आए थे, तो उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी वो बताइए। कोई किस्म की कोई घटना नहीं, वो जो किन्नु प्राणी आए थे जी, और यहाँ आके पब्लिक स्थान पर यहाँ बैठे थे। आप थे यहाँ? मैं मौजूद था। अच्छा। उनको चाय बनाई, चाय पिलाई, जब आराम से वहाँ बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई किस्म की कोई राजनीति की कोई बात नहीं। इसके बाद में उसने कहा जी मैं अब आराम करूँगा। उसने दो चार बात कही डुलाना के पीछे, फिर डुलाना मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई, इसी आदमी ने मेरा हाथ फरोड़ दिया, या वो कुछ पत्रकारों से भी वो बात कर रहा था। यहाँ दो चार आदमी हम दूर बैठे, उसने उसको बता दिया। बताने के बाद में फिर उन्होंने बोला जी मैं आराम करूँगा। पत्रकारों से जैसे वो बात करी, बात करने के बाद में उसको गद्दे दे दिए, वहाँ तीनों अलग चले गए वहाँ शाम जी जी, वहाँ जाकर वो बैठ गए। उसके बाद में अपना आराम से रहा। इसके बाद में मैं कपड़े घर चला रहा, मेरे को नहीं बता दी। फिर सुबह में जब यहाँ बोल जी तो रात को ही आते चले, नहीं किसी को झगड़ा किया, नहीं किसी और की नहीं पूछा था, वो जीत वाली बात नहीं थी, और आराम से हरी व्यवस्था से। थे और चर्चा ये है कि यहाँ गांव के कुछ लोगों की तरफ से उनका विरोध किया गया था मंदिर में ठहरने को लेकर, क्या कुछ घटना हुई? देखिए भाई साहब, कि गांव सुजनवास है, वो मेरा अपना गांव है, और इस गांव के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि कैलाश जी बेवजह गांव को बदनाम कर रहे हैं। ये सब बाबा हीरा लाल जी, मंदिर कमेटी के प्रधान, सरपंच भाई महेंद्र जी, राकेश जी, ये दिलावर जी, सब लोग जब वो आए तो यहीं थे, और गांव के अंदर जब आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब चल रहा है तो देखने के आए जब कौन व्यक्ति है, कहां का व्यक्ति है, तो यहां आए और बड़े आराम से उनको चाय वाय पिलाई, वो बैठ गए। शाम के समय कुछ लोगों ने, और यहां जब वो मीडिया को बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, पीछे रास्ते में कोई डुलाना के आसपास पता नहीं कोई बाइक वाला चलता हुआ बोल गया, अगर बच्चा वैसे बोला, कैसे बोला, किस भावना से बोला, वो जी हमें उस बात से कोई लेने देना नहीं। लेकिन जब वो गांव के अंदर आया, बड़ा शांत से यहाँ रुका हुआ, कुछ लोगों ने और बाबा ने जब इस तरह की बाइट दी तो ये कहा कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो महाराज जी ने कहा कि भाई कल यहाँ कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा, बेवजह उसमें हमें गवाह बनाई जाएगी गांव की बदनामी जी। तो गांव का सर्वे सर्वा सरपंच होता है, और सरपंच ने ये कहा कि महाराज जी आप मंदिर को छोड़ करके किसी भी धर्मशाला में, तीन हमारे यहाँ अच्छी धर्मशाला है, किसी में भी रुक जाइए, भोजन पानी का प्रबंध मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाँव का नुमाइंदा हूँ, चुना हुआ हूँ, और गाँव ऐसा कभी भी नहीं कि हम किसी बाहर के व्यक्ति को यहाँ पनपने नहीं देते, आराम से आता स्वागत करते। महाराज जी यहाँ थे, कुछ दो चार साथी थे, युवा साथी थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप यहीं रुक जाइए, उन्होंने बातचीत की, फिर महाराज जी ने इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे आप बागो धाम छोड़िए। ये बात खुद उन्होंने खुद की, उन्होंने खुद की, आप उस ऑडियो के अंदर भी आप सुन लीजिए, और सर उन्होंने ये कहा कि भाई मंदिर नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को बुला करके, सरपंच ने इतना बात जरूर किए। देखो आदमी किसी न किसी का सहारा लेता है, जब गाँव के अंदर कोई बात न बढ़े, बाकी ऐसा शांति प्रिय गाँव है, आप चुनाव के समय भी हमारा एक बूथ तक वोट का जरूर रहता है, उसके बाद में जो यहाँ पे बड़ा भाईचारे से, ये बड़ा आपके सामने मंदिर है, मैं आपको अभी दिखा करके लाऊंगा, उसमें आप देखोगे कितनी बड़ा गांव ने 50 लाख रुपए के करीब लगा करके और बड़ा भव्य मंदिर बनाया, एक आस्था का केंद्र है, और हम भी ये जो बातें कर रहे हैं मंदिर के बाहर कर रहे हैं क्योंकि एक आस्था, अंदर हम राजनीति की बातें नहीं करते कभी भी। और यहाँ जब भी जितने राजनेता है, उसमें रामविलास जी आए हों, रावदान सिंह जी आए हों, रमेश पालड़ी जी हो, सही इनेलो के कोई भी हो, यहाँ जब भी आते हैं मत्था टेकते हैं आशीर्वाद लेकर के, और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे ये सब लेकर के जाते हैं। बाकी इस तरह के निराधार आरोप है, मैं कहता हूँ कैलाश जी आपने जो गांव सुजनवास की जो एक टैग लगा दिया बदनामी का, वो शायद आपको एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे गाँव को आप बदनाम न करें, बड़ा शांति प्रिय गाँव है, और सब 36 बिरादरी से लेकर के प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारा पूरा भाजपा का है, पूरा कांग्रेस का है, पूरा इनेलो का है, जेजेपी का, सबका मत का अधिकार प्रयोग सब करते हैं अपनी अपनी जगह, बाकी गांव के अंदर बड़ा शांति प्रिय है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ, उन्होंने इच्छा जाहिर की, हमारे भाई महेंद्र जी ने उनको गाड़ी के अंदर बैठा करके और वहां बागो छोड़ दिया, बस इतनी सी बात थी। अब इस बात को राजनीतिक रूप रंग देने का प्रयास करो तो हो सकता है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी और आपका कोई विवाद है तो आप गांव राठीवास जाकर के उस बात को सुलझो, ये उसमें गांव सृजनवास को घेरने की, गांव सृजनवास की बदनामी करने का अधिकार कैलाश जी आपको नहीं है, और आपको वैसे भी आपने भगवा चोला धारण कर रखा है और आप उस पवित्र भूमि से आते हैं, वो बागो धाम है, वो विश्व के अंदर, एशिया के अंदर के क्या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हासिल का, आप उस गांव से आते, उस गांव की गरिमा और सृजनवास गरिमा बना करके रखिए। अगर इस तरह की घटना होती तो गांव के भांजे हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, उनके मामा यहाँ हैं, उनके नाना के परिवार के लोग यहाँ हैं,
ऐसी होती तो वो परिवार सामने आते सबसे पहले, तो आप करमवीर जी इस बात को समझते हैं, गांव के अंदर ऐसी कोई बात हो जाती है तो रिश्तेदार सबसे पहले आता है, नहीं भी हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, उनके परिवार के लोग आए थे वो खा यहाँ देख करके ठीक है रुका हुआ वो अपने चले गए, रात को ऐसी कोई बात आती तो वो परिवार सबसे सामने आता, बाकी ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ। हम कैलाश जी से निवेदन करते हैं आप जहाँ भी रहें सुखद रहें अच्छे रहें, और जो ये राजनीति ड्रामाबाजी जो करें इसको छोड़ें, आप जो दैनिक कार्य है उसको करें, मेरा व्यक्तिगत निवेदन ही गांव है जो है जैसा मंदिर है या कैलाश पुजारी आए थे तो गांव का माहौल आमतौर पर कैसा होता है, क्या इस प्रकार की घटनाएं गांव में होती हैं कभी? कोई भी नहीं, हमारा गांव में कोई सुनिश्चित है अखबार में तेरा जो पड़ी थी बाकी पूरे लोग कोई भावना ना सुनिश्चे अब भी कहीं किस्म की पार्टी को लेकर कोई भावना नहीं, और मैं चार दिन से राजस्थान अन्य पतो भी को नहीं, लेकिन अखबार में पड़ी थी अब वो गाँव गाँव आएंगे ऐसे कुछ तो बाकी वही आज मैं थोपी को नहीं मैंने पतो भी को नहीं, लेकिन चर्चा कोई ना है मतलब कोई चर्चा ना है हमारा गाँव धर्मान दिलावर है। आप यहाँ घटना वाले दिन थे? हाँ जी मैं यहाँ मौजूद था, हम साथ साथ आरती का टाइम पर सामने मंदिर में वहाँ सुबह टाइम लग गया तो बाबा के बैठे रही मंदिर में, वे आया बाबा महाराज जी ने चाय बनवा दी थी, सर गद्दा लगवा दिया था, उनको बिठा दिया था आराम से, सरपंच साहब ने फोन करो ये आपस में उन्होंने जवाब पत्रकार मीडिया भाई आया उनसे बातचीत है, उनकी बात सुन के उन्होंने भाई मंदिर में राजनीति नहीं पुत तो सरपंच ने यह कही रिक्वेस्ट करी आप या तो मेरे घर रुक जाओ या धर्मशाला शांति है मैं रुक जाओ या छिपके रुक जाओ आप खातर हम गांव में रुकने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, गाँव यहाँ भी बिस्तर वगैरह लगवा दिए थे और वे अपनी मर्जी से शाम को खुद गए हैं, यहाँ गाँव के दो साथी थे उन्होंने गाड़ी में छोटा है बागो तुम कोई झगड़ा कुछ बात नहीं।